मुजफ्फरनगर में 21 अगस्त को दो गुटों के बीच मामूली झगड़ा हुआ। बच्चे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन इस झगड़े को सांप्रदायिक रंग देने की साजिश हो रही है। मुजफ्फरनगर के पुरबालियान में खेल रहे बच्चों का झगड़ा ऐसा बढ़ा कि कई लोगों पर केस दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस पर आरोप है कि केस दर्ज होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, समय पर कार्रवाई नहीं की गई और उन्होंने पीड़ित पक्ष से समझौता करने का दबाव तक बनाया। पीड़ित पक्ष के मुताबिक आरोपियों ने पुलिस को नहीं छोड़ा और केस दर्ज होने के 3 दिन बाद दोबारा हाथापाई की। पुलिस अधिकारी ने भी कहा कि इस मामले को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जा रही है और आरोपियों पर रासुका भी लगाया जा सकता है। वैसे मुजफ्फरनगर के पुरबालियान में दो गुटों के बीच मारपीट मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब बताया जा रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल में है। कई थानों की पुलिस को यहां पर तैनात किया गया है, 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, अतिरिक्त पुलिस बल मौजूद है आसपास के थानों के साथ, पीएसी भी यहां पर तैनात है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस गांव में तनाव बरकरार है, धारा 144 लागू है। हिंसा के आरोपियों की तलाश में पुलिस ने जगह जगह छापेमारी की है। मैच के दौरान 21 अगस्त को बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया था और उसके बाद से ही अभी भी बताया जा रहा है कि स्थिति तनावपूर्ण है। हालांकि नियंत्रण में है, सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन टेंस है सिचुएशन। खेलते हुए कुछ बच्चों में कहासुनी हुई थी, उसी में एक झगड़ा हुआ जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के घर में जाके मारपीट की गई। उस दिन एक मुकदमा लिखा गया, गांव के सभी संभ्रांत लोग वहां पे इकट्ठे हुए, दोनों समुदाय के। उन लोगों ने कहा कि साहब इसे हम ठीक कर लेंगे, त्यौहार का मामला है। अगले दिन बकरीद थी, उसके बाद अगले दिन फिर पुलिस द्वारा दबिश दी गई, कोई अपने घर पर नहीं मिला। आज आरोप यह है कि जो पहले मुकदमे में मुलजिम थे, उन लोगों ने दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए एक किसी नौकर को लाए, उसे घायल अवस्था में। ये कहा जा रहा है कि समय रहते अगर आरोपियों पर कार्रवाई होती तो हालात हो सकता है इतने ज्यादा बेकाबू ना होते, खराब ना होते।